a condemnation of anti-Semitic remarks when you have a member of the Republican caucus who has talked about Jewish space lasers and an entire amount of tropes and also elevated her to some of the highest committee assignments in this body. This is about targeting women of color in the United States of America. अरे कहना क्या चाहते हो? हाँ गांधी जिंदा है, हाँ गांधी जिंदा है, अहिंसा में हर गलत चीज के विरोध में, हर सच्चाई की लड़ाई में, हाँ गांधी जिंदा है, हाँ गांधी जिंदा है, महात्मा गांधी जी, मोहनदास करमचंद गांधी गुजरात में बॉर्न हुए एक रेवोल्यूशन है, महात्मा गांधी जी, अल्फ्रेड हाई स्कूल राजकोट, साबरमाला आर्ट्स कॉलेज भावनगर, इनर टेम्पल लंदन से पढ़े हुए हाईली एजुकेटेड इंसान है। सुनील शेट्टी की फिल्म जी, एक शादी हुई है जिसपे इतने तोहफे वी हैव टू मेंशन इट टू यू। और ये जी शादी हुई है सुनील शेट्टी बॉलीवुड के एक एक्टर हैं, उनकी बेटी की विद क्रिकेट स्टार केएल राहुल। तो शादी समझ आ गई आपको, अब जरा तोहफे सुने। अब्दुल्ला स्टार्ट हो जाओ। सबसे पहले जो सुनील शेट्टी हिमसेल्फ ने अपनी बेटी को 5 करोड़ का इंडियन 5 करोड़ रुपीज क्या 50 करोड़ का तो कराची में नहीं आ रहा अपार्टमेंट, 50 करोड़ का अपार्टमेंट दिया। हाँ जी, अपार्टमेंट दिया है अपनी, और इंडियन रुपीस की बात करें तो 2.25 से मल्टीप्लाई खुद ही करते जाइएगा, डेढ़ अरब तकरीबन लगता है अगर हम अपने रुपयों में बात करें। तो अपनी बेटी को उन्होंने 50 करोड़ रुपए का अपार्टमेंट दिया। सलमान खान ने, जिनकी खुद भी शादी नहीं हुई और पता नहीं होनी है कि नहीं होनी, तो इन्हें वापस पता नहीं कब मिलेगा, क्योंकि हमारे यहाँ तो यही होता है ना, उसने जो दिया था उतना या उससे ज्यादा वापस कर दो, जितना ही होना चाहिए। हाँ, उन्होंने अपने करीबी दोस्त सुनील शेट्टी की बेटी को शादी पर एक महंगी गाड़ी तोहफे में दी है, गाड़ी दी 64 लाख रुपीज की, 1.64 करोड़। आप क्यों कम कर रही है पैसे हर चीज के? 1.64 करोड़। जैकी श्रॉफ ने 30 लाख रुपए की ऑलमोस्ट घड़ी दी है। अर्जुन कपूर ने 1.5 करोड़ रुपए मालियत का डायमंड का ब्रेसलेट दिया है। विराट कोहली ने इनको एक आयुष BMW दी है, 2.17 करोड़ की। बहुत कुछ सही दिया है, बहुत कुछ दिया है, एंड आई गेस हमें ये हजम करने के लिए टाइम चाहिए। वैसे एक स्पोर्ट्स बाइक भी दी है, इतना भारी भरकम ने दी है, धोनी इतना भारी भरकम तोहफे, तो हाइप का तबादला ना टेंशन क्रिएट करता है जिंदगी में। तोहफे देने चाहिए, प्यार बढ़ता है, लेकिन मतलब ठीक है, जो पता नहीं अफोर्ड कर सकते हैं वो देते होंगे भाई। भाई अगर हम करें तो करें क्या, अभी बदत है भाई, अभी बदत है। वजीर आजम को लेके, अपनी तमाम काबीना को लेके जहाज भर के पाकिस्तान की इकोनॉमी बचाने के लिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को भी आगे लगाकर दुनिया में जाकर हर एक के दरवाजे पर भीख मांग रहे हो। अच्छा बात नहीं है। कोई तुम्हें देता है, कोई तुम्हें नहीं देता, कोई अपनी शरायत मनवाता है, क्यों जा रहे हो काजी? मुल्क की इकोनॉमी खतरे में है, हम मुल्क की मईशत बचाने के लिए जा रहे हैं। मैंने कहा इधर आओ, तुम कहते हो पाकिस्तान की रोडों पे निकलने से कुछ नहीं होता, एक बार बाहर निकलो, कुरान को दाएं हाथ में उठाओ और एटम बम वाले बक्से को बाएं हाथ में उठाओ। क्या बोला तूने? और एटम बम वाले बक्से को बाएं हाथ में उठाओ और पूरी काबीना भर के स्वीडन ले जाओ और जाकर कहो कि हम कुरान के तहफ्फुज के लिए आए हैं। सारी कायनात की नेमतें अगर तुम्हारे पांव में ना आ गई तो हमारा नाम बदल के रख देना। तो ये मत कहना कि मुसलमान आतंकवादी है। If you like our videos, do like, share and comment and subscribe for more videos. Till then, be happy, be safe and stay tuned.